संचार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत होने वाले छात्रवृत्ति प्रतियोगी परीक्षा में दुर्ग संभाग से इस वर्ष 272 विद्यार्थियों ने शिरकत की। इस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने वाले छत्तीसगढ़ परिमंडल से 40 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें संचार मंत्रालय 6,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति देगा। भारतीय संचार निगम लिमिटेड के द्वारा चलाए जा रहे दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत फिलाटेलिक क्विज कंपटीशन का आयोजन भारतीय डाक विभाग दुर्ग संभाग द्वारा भिलाई में संपन्न कराया गया। यूं तो पूरे दुर्ग संभाग से 227 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, परंतु भिलाई में होने वाले इस क्विज कंपटीशन में 131 बच्चों ने सेक्टर 6 MGM स्कूल पहुंचकर अपना भाग्य आजमाया। पूरे छत्तीसगढ़ मंडल से कुल 40 बच्चों का सिलेक्शन होना है, जिन्हें सालाना 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराई गई। इसमें सेलेक्ट होने वाले बच्चों को भारतीय डाक संग्रह पर एक असाइनमेंट बनाना होगा। इसके बाद चयनित बच्चे ही छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे। बच्चों ने खूब मन लगाकर इस परीक्षा में पूछे गए सवालों के जवाब लिखे। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षकों ने सारी उत्तर पुस्तिकाएं एकत्र की और एक जगह जमा कर दी। इस परीक्षा को देने वाले बच्चों को परीक्षा पूर्ण होने के बाद डाक विभाग की तरफ से स्वल्पाहार के पैकेट व चॉकलेट बांटे गए। परीक्षा में भागीदारी देने वाले बच्चों ने परीक्षा को काफी अच्छा बताया और छात्रवृत्ति पाने की होड़ में सबसे आगे भी बताया। एग्जाम बहुत अच्छा था, बाहर के क्वेश्चन जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए और ताकि हम अनदर लेवल पे पहुंच पाए और फाइट कर पाए इन सब GK क्वेश्चंस के लिए, तो बहुत अच्छा था। इससे हाई एक्सपेक्टेशंस थी थोड़े और टफ क्वेश्चन आने के लिए। हाँ, ईजी भी था, टफ भी था, दोनों मिक्स था, मिल सकता है। हाँ ज़रूर, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम हाई लेवल पे होने चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे शहर में पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, बट उन्हें ये पॉसिबिलिटी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए ये एग्ज़ाम स्कॉलरशिप के लिए बहुत अच्छे हैं और होने चाहिए। यस सर, पेपर नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जैसे GK क्वेश्चंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स से आए हुए थे। पेपर इजी था, लेकिन ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी और एक बाहर का बोर्ड पेपर जैसा एक एग्ज़ाम था। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। हाँ, ऐसा तो लगता है क्योंकि हमारे ऐसा पेपर बनाया है। आई थिंक एक न्यू अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है, इस फिलेटली हॉबी को मतलब बढ़ावा कर रही है और एक न्यू हॉबी को एक अच्छे उसमें लेके जा रही है। आई थिंक अच्छा ही गया, लेकिन कोई कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चन थोड़े टफ थे। हाँ, ऐसे अगर दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत होने वाले इस परीक्षा में 6वीं से 9वीं क्लास के बच्चों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस परीक्षा को लेकर दुर्ग डाक संभाग की उप अधीक्षक पूजा तिवारी ने जानकारी दी और MGM स्कूल प्रबंधन का हृदय से धन्यवाद भी किया, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने इस परीक्षा को सम्पन्न कराने में अपना अहम योगदान प्रदान किया। साथ ही MGM स्कूल के प्राचार्य ने ऐसी परीक्षाओं से बच्चों को ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलना बताया है। जी, आज यहां पे MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक फिलाटेलिक क्विज का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये बेसिकली एक क्विज कंपटीशन है जो कि बच्चों के बीच जो फिलाटेली एक किंग ऑफ हॉबीज जिसको हम बोलते हैं, डाक टिकटों का संग्रह, इस हॉबी को और एक्सप्लोर करने के लिए और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए बच्चों के बीच में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। इसके संबंध में क्विज कंपटीशन आयोजित की गई थी आज। इसमें हमारे दुर्ग संभाग में टोटल 272 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और MGM स्कूल भी एक परीक्षा का केंद्र था, इसमें कुल 131 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे आज। जी हाँ, ये भारतीय डाक विभाग की एक योजना है, संचार मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें भी पूरे देश भर में आयोजित होती है। इसका मूल उद्देश्य है बच्चों के बीच एक छात्रवृत्ति योजना भी है, जिसमें बच्चों को जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह यानी लगभग वर्ष का 6,000 रुपये सालाना उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ परिमंडल में ऐसे 40 बच्चों को चयनित किया जाएगा जो स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई होंगे। ये एक जनरल मतलब क्विज कंपटीशन था जिसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न ही थे। ये हम बोल सकते हैं क्विज कंपटीशन का फर्स्ट राउंड था। इसके बाद जो बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एक फिलाटेली यानी डाक टिकटों से संबंधित एक प्रोजेक्ट जैसे एक असाइनमेंट बनाना होगा। उसके बाद कंपटीशन का दूसरा चरण होगा, फिर फाइनली जो बच्चे सेलेक्ट होंगे 40 बच्चे उन्हें ये छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा।
आज की ये जो किस कंपटीशन थी उसके सफल आयोजन के लिए मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय स्कूल MGM का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जो समस्त स्टाफगण इसमें इन्होंने सहयोग किया, साथ ही सारे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, आप सभी के लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। थैंक यू। एक्चुअली ये पोस्ट ऑफिस का आज दीनदयाल स्पर्श योजना का एक एग्जाम था, दैट इज़ फॉर द स्कॉलरशिप। बट मेन एडवांटेज इसका ये है कि बच्चों को हर फील्ड का क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज़ MCQ क्वेश्चंस। और आजकल जो है CBSE का पैटर्न भी MCQ क्वेश्चंस है। सो जैसे ही सुरजीत सर इधर आए तो बोले कि एक एग्ज़ाम है, सो आई रेडीली अग्रीड कि बच्चों के लिए एडवांटेज है तो ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करें। और MGM के ही मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था तो इसीलिए हम एग्री किए और आज अच्छा तरह कंडक्ट हुआ ये एग्ज़ाम। भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष यह परीक्षा संचालित की जाती है और इनमें चयनित बच्चों को वार्षिक 6,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। ऐसी परीक्षाएं आगे और भी वृहद रूप से होनी चाहिए जिससे वे बच्चे जो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।